जनता ने किया पैक अपना जनादेश, मतदान हुआ शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न। पिछले 20 चुनाव की बजाय मतदान प्रतिशत घटा, कौन हुआ हावी, किसने बिगाड़े समीकरण, किस दल के खाते में जा रही है यह सीट। पानीपत की चारों विधानसभा का एग्जिट पोल, सीटी तहलका दिखा रहा है ग्राउंड से एग्जिट पोल। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर जो सुरबराहट की गर्मी पैदा हुई, उस गर्मी को उम्मीदवारों के मैदान में उतरने पर आग का रूप ले लिया। और हरियाणा के अंदर यदि बात की जाए जनता की, नेता की, वर्कर की व अधिकारी की, सभी की जुबान पर आकलन व राजनीति की चर्चाएं सुनने को मिलने लगी। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते गए, समीकरण सुलझते गए। हरियाणा की 90 की 90 विधानसभा चुनाव पर मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया और जिसके नतीजे 24 तारीख को आने वाले हैं, जिसके चलते जहां उम्मीदवार अपनी धड़कनों को रोक कर बैठे हैं, वहीं जनता भी इसमें दिलचस्पी लेती नजर आ रही है। जहां मनोहर सरकार ने इस चुनाव में 75 पार का नारा दिया, वहीं टिकटों के वितरण के बाद तमाम दलों के नेता इस बात को लेकर निगाह लगाते रहे कि कौन सा नेता दल बदलू निकलेगा, तो उसका भी कहीं ना कहीं राजनीतिक फायदा दूसरे दलों को मिलने का काम हुआ। वहीं जैसे ही मतदान का दिन शुरू हुआ, मतदान अपने पोलिंग बूथ पर पहुंचकर मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे मतदान का दिन अपने अंतिम चरण की ओर जाता गया, राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले लोग अपने आकलन को नतीजों में तब्दील करने में जुटे दिखाई दिए। यही नहीं, चुनाव की सरगर्मी के दौरान सिटी तहलका ने भी अपना सर्वे किया, जिसमें पानीपत की चारों विधानसभा क्षेत्र का अलग अलग गांव, शहर, कॉलोनी में जाकर रिपोर्ट एकत्रित की। वहीं अब हम आपको बता रहे हैं कि सिटी तहलका के पानीपत चारों विधानसभा क्षेत्र के एक विधानसभा क्षेत्र इसराना के सटीक एग्जिट पोल आपको दिखाने वाले हैं। पानीपत इसराना विधानसभा क्षेत्र में जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रत्याशी बलबीर वाल्मीकि, भाजपा के प्रत्याशी मंत्री कृष्णलाल पवार और जननायक जनता पार्टी के प्रत्याशी दयानंद उरलाना के बीच शुरुआती में मुकाबला देखने को मिला, जैसे जैसे चुनाव अंतिम चरण पर पहुंचा तो लोगों का रुझान भी सोच विचार की ओर अग्रसर हुआ। इन तमाम बातों को सिटी तहलका ने ग्राउंड पर जाकर एग्जिट पोल बनाया है और वह एग्जिट पोल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। एग्जिट पोल में जो 5 ग्राफिक आपके सामने हैं, पार्टी के लोगों के साथ उनको कितने प्रतिशत वोट मिले हैं, यह एक एक करके आपको बताएंगे। और आप देख सकते हैं सिटी तहलका का सर्वे कि इसराना विधानसभा क्षेत्र में बलबीर वाल्मीकि और भाजपा उम्मीदवार कृष्णलाल पवार के बीच सीधा मुकाबला देखा जा रहा है, जिसमें बलबीर वाल्मीकि अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। इसको यह भी कहा जा सकता है कि इस मुकाबले में कुछ वोटों के अंतर से बलबीर वाल्मीकि कांग्रेस की झोली में यह सीट डाल सकते हैं। सब्सक्राइब नाउ देन प्रेस बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।